दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम किया है कि ब्रिटेन कंगाल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बहुत बड़ा काम किया है। भारत ने अपने सोने को घर वापसी करा ली है, जिससे ब्रिटेन से वापस आया 1,00,000 किलो सोना। भर गई आरबीआई की तिजोरियां, कंगाल हुआ ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन करीब 1,00,000 किलो सोना वापस भारत मंगा लिया है, जो आरबीआई की फैसिलिटी में सुरक्षित अब रखी जाएगी। भारत के आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने में वापस गोल्ड भारत आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन करीब 1,00,000 किलो सोना वापस मंगाया है। यह 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार जब इतना अधिक सोना भारत के भंडार में वापस आया है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। आरबीआई पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाली केंद्रीय बैंकों में से एक है। पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है। आइए चार पॉइंट से समझे सोना कैसे और कहां लाया गया है और कहां रखा गया है। पहला, 100 टन सोने का भारत लाने के लिए महीनों की प्लानिंग की गई और फिर पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सरकार की अन्य विंग के साथ लोकल अथॉरिटीज भी शामिल थे। दूसरा, आरबीआई को सोना भारत में लाने के लिए सीमा शुल्क में छूट मिली, लेकिन आयात पर लगने वाले इंग्रेडिएंट यानी जीएसटी में कोई छूट नहीं दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टैक्स को राज्यों के साथ शेयर किया जाता है। तीसरा, गोल्ड लाने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। इस कदम से आरबीआई को कुछ स्टोरेज कॉस्ट बचाने में भी मदद मिलेगी, जिसका पेमेंट वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को करता था, हालांकि यह राशि इतनी बड़ी नहीं थी। चौथा, हमारे देश के भीतर मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग में सोना रखा जाता है। इसके अलावा पूरी अथॉरिटी के साथ सोने का स्टोरेज नागपुर में भी वॉल्ट किया जाता था, जो कि अब इस लोकेशन को बदल दिया गया है और अब इसे एक नई लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी जानकारी अभी तक नहीं है। आरबीआई भारत के साथ विदेश में भी रखता है सोना। आरबीआई केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सोना रखता है। सभी देशों के केंद्रीय बैंक सोने को अलग अलग जगहों पर रखना चाहते हैं ताकि जोखिम कम हो सके। इससे पहले तो सोने की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। अगर भारत में आपदा या राजनीतिक अस्थिरता से आर्थिक स्थिति खराब होती है तो इससे उबरने में विदेशों में रखा सोना काम आता है। प्राकृतिक आपदाओं में भी सोने के भंडारण को नुकसान पहुंच सकता है। अलग अलग जगह सोना रखने से यह जोखिम कम होता है। कई केंद्रीय बैंकों के लिए सोने का भंडारगृह है ब्रिटेन। ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड परंपरागत रूप से कई केंद्रीय बैंकों के लिए सोने का भंडारगृह रहा है। भारत की आज़ादी से पहले से कुछ ही मात्रा में सोना लंदन में जमा है, क्योंकि आज़ादी से पहले ब्रिटेन बैंक ऑफ इंग्लैंड में भारत का सोना रखता था। इसलिए आज़ादी के बाद भी भारत ने कुछ सोना लंदन में ही रखा हुआ है। आरबीआई तय करता है कि यह कहां कितना सोना रखना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि आरबीआई बीते कुछ साल में सोना खरीद रहा है। सोना खरीदने के साथ आरबीआई समय समय पर यह रिव्यू करता है कि उसका स्टोरेज कहाँ कितना होना चाहिए। चूँकि विदेशों में स्टॉक बढ़ रहा था, इसलिए कुछ सोना भारत लाने का फैसला लिया गया। यह हमारी इकोनॉमी की ताकत और कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। सोना आर्थिक स्थिरता रखता है, इसलिए भंडार किया जाता है। यदि किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है तो सोने का भंडार उस देश की क्रय शक्ति और उसकी स्थिति को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। 1991 में जब भारत की इकोनॉमी डूब रही थी, तब उसके पास सामान इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं थे, तो उसने सोने को गिरवी रख पैसे जुटाए थे और यह फाइनेंशियली क्राइसिस से बाहर आया था। बहुत अधिक भंडार होने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। यह भी पता चलता है कि वह देश अपने धन का अच्छी तरह से प्रबंधन करता है। ऐसे में अन्य देश
और ग्लोबल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इस देश पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की करेंसी वैल्यू का सपोर्ट करने के लिए सॉलिड एसेट प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की बड़ी उपलब्धि, ब्रिटेन से वापस आया देश का 100 टन सोना। चुनावी गहमागहमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मोदी सरकार विदेश में जमा भारतीय सोने की देश में वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ब्रिटेन में जमा 100 टन से अधिक सोना देश वापस लाकर यह सफलता हासिल की है। यह मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत होने और एक और संकेत देता है। देश के करोड़ों लोगों के लिए यह तसल्ली की बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेश से अपना सोना वापस लाने में सफल रही है। जबकि मोदी सरकार से पहले देश सोना गिरवी रखने के लिए बाहर मजबूर था। साल 1991 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहां विदेश से रखे सोने को धीरे धीरे भारत वापस लाने में लगी है, वहीं नया सोना खरीद भी रही है। RBI ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान अपने गोल्ड भंडारण में 27.5 टन सोना जोड़ा है। अखबार की खबर के अनुसार RBI ने कुछ साल पहले सोना खरीदना शुरू किया था और यह समीक्षा करने का फैसला किया गया था कि कहां कहां से भारत का सोना वापस लाया जा सकता है। चूंकि विदेशों में स्टॉक बढ़ रहा था, इसलिए कुछ सोना भारत लाने का निर्णय लिया गया। साथ ही भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया ताकि भारत को और सुदृढ़ और मजबूत आर्थिक शक्ति बनाया जा सके। आपको बता दें कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी पारंपरिक रूप से बैंक ऑफ इंग्लैंड सोना रखने के लिए एक बड़ा भंडार गृह रहा है। आज़ादी से पहले से ही भारत भी अपने सोने का कुछ स्टॉक लंदन में इस बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास करता था। जहां तक देश में सोने के भंडारण की बात है, तो यह मुंबई के मिंट रोड के नागपुर में रिजर्व बैंक के तिजोरियों में पहले रखा जाता था, जो कि अब इसे नए लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है। RBI इन दिनों अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने में लगा है। हाल के वर्षों में उसने सोने की जमकर खरीदारी की है, साथ ही विदेशों में जमा सोने को भी स्वदेश लाया जा रहा है। RBI के पास 822.1 टन सोना है, जिसमें से आधा विदेशों में है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने हाल में ही सोने की जमकर खरीदारी की है। साथ ही बैंक ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में अपने भंडार में ट्रांसफ़र किया है। साल 1991 के बाद यह पहला मौका है जब सेंट्रल बैंक ने अपने स्थानीय भंडार में इतना सोना जमा किया है। आने वाले महीनों में 100 टन सोना देश में आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक देश के भीतर सोना जमा करने में लॉजिस्टिक कारण है। साथ ही केंद्रीय बैंक अपने स्टोरेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मार्च के अंत में RBI के पास 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन सोना RBI ने विदेशों में रखा था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में RBI ने अपने भंडार में 27.5 टन सोना जोड़ा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक पारंपरिक रूप से बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सोना जमा रखते हैं, भारत भी इसमें अपवाद है। विदेशों से अपना सोना RBI में वापस भारत लाने में लगी हुई है, वहीं नया सोना खरीद भी रही है। RBI ने पिछले वर्ष सोना खरीदने के लिए गोल्ड भंडार में 27.5 टन सोना जोड़ा भी है।
अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक।